जब भी हम लोग क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो आईपीएल का नाम दिमाग में जरूर आता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आईपीएल की स्थापना किसने की और आज किस तरह से आईपीएल एक अरबों रुपयों का बिजनेस मॉडल बन चुका है। आईपीएल की स्थापना ललित मोदी ने 2008 में की, लेकिन 2010 में एक घोटाले के चलते वे लंदन भाग गए और आज तक नहीं लौटे। खैर, ये तो बात रही आईपीएल की स्थापना की, लेकिन अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। आईपीएल का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसे आसानी से समझा सकूं। समझ रहे हो? इसका ज्यादातर रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से आता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई प्लेयर्स की जर्सी पर, हेलमेट पर, यहाँ तक कि बाउंड्री पर भी एड्स चलती हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि मिंत्रा, विंजो, ड्रीम इलेवन, अपस्टॉक्स और भी काफी सारी इसी तरह की कंपनीज इन एड्स को चलवाने के लिए बहुत सारे पैसे पे करती हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है कि किस तरह से आईपीएल प्लेयर्स अपने पैसे कमाते हैं। तो देखिए, आईपीएल प्लेयर्स अपने आप को नीलामी के लिए रखते हैं। अच्छा। हम सब जानते हैं कि जब भी किसी प्लेयर को कोई टीम खरीदती है तो उसे 40 से 50 हजार नहीं बल्कि 4 से 5 करोड़ रुपयों में खरीदती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये अमाउंट उन्हें 40 से 45 दिनों में ही मिल जाता है। अच्छा। अब ये तो बात रही कि टीम प्लेयर्स कैसे कमाते हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि टीम के ओनर्स कैसे कमाते हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आईपीएल की टीम का हर मालिक अलग अलग होता है और ये सब एक ही तरीके से पैसे कमाते हैं। अब सभी टीम ओनर्स स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, आईपीएल 2023 में जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, इसको टाटा ने स्पॉन्सर किया है, इसी वजह से इसका नाम टाटा आईपीएल है। और 2022 में भी इसको टाटा ने ही स्पॉन्सर किया था, जिसके लिए टाटा ने 670 करोड़ दिए थे। इससे पहले ये टाइटल वीवो के पास था। अब स्पॉन्सरशिप सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, ये काफी सारे तरीके की होती है, जैसे कि टाइटल स्पॉन्सर्स, ऑफिशियल्स, ब्रॉडकास्टर्स, ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर्स आदि। टाटा आईपीएल 2023 के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। टाइटल स्पॉन्सर टाटा एंड ड्रीम इलेवन, ऑफिशियल पार्टनर सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी, क्रेड, अपस्टॉक्स, रुपए, स्विगी एटसेट्रा। ऑफिशियल ऑरेंज एंड पर्पल कैप पार्टनर अरामको। ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स। ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा। अंपायर पार्टनर पेटीएम। टाइम आउट पार्टनर कीट। पार्टनरशिप्स रेवेन्यू, टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम टाटा 440 करोड़, ऑफिशियल स्पॉन्सर 210 करोड़, अंपायर स्पॉन्सर 28 करोड़, ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर 30 करोड़। स्पॉन्सरशिप वैल्यूज ऑफ टीम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर टीम का अपना एक अलग ब्रांड वैल्यू होता है, और यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से टीम को इंडिविजुअली स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं और इसके साथ साथ ओनर को भी प्रॉफिट होता है। जैसे कि हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उसके स्पॉन्सर हैं प्रिंसिपल पार्टनर इंडियन सीमेंट्स, गल्फ ऑयल, ब्रिटिश एम्पायर, रिलायंस जियो एटसेट्रा। मर्चेंडाइज पार्टनर कोका कोला, फैन क्रेज, प्लेयर। ऑफिशियल पार्टनर गरुड़ा एरोस्पेस, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, समझ गया। आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि प्लेयर्स जो भी जर्सी पहनते हैं उस पर कंपनीज का लोगो लगा होता है और उन जर्सीज को पहनकर प्लेयर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इस स्पॉन्सर का पैसा टीम ओनर्स को दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीएसके की, तो सीएसके का होम ग्राउंड है एमए चंडीबरम स्टेडियम चेन्नई। अगर कोई भी मैच चेन्नई के होम ग्राउंड पर होता है तो उसका 75-80% तक का रेवेन्यू चेन्नई टीम के ओनर्स को जाता है। मैच टिकट रेवेन्यू, मैच टिकट्स आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है, जिससे बीसीसीआई बहुत सारे पैसे कमाता है। बीसीसीआई पूरे आईपीएल को मॉनिटर करता है, जैसे कि कौन सा मैच कब कराना है, कब क्या करना है, कौन सा शेड्यूल कब रखना है, किसका मैच किससे कराना है और पूरे ब्रांड्स की देखरेख। कुल मिला के बीसीसीआई आईपीएल का कोर है और ये हर जगह इन्वॉल्व रहता है और हर जगह से रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, समरिया। अब आपने एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज सुनी होगी कि रिलायंस इस बार आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम कर रहा है अपनी ऐप जियो सिनेमा के ऊपर। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इस बार रिलायंस ने आईपीएल के लॉयन शेयर्स खरीद लिए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जियो ने 2023 से 27 तक के स्ट्रीमिंग के जितने भी शेयर्स थे वो खरीद लिए हैं और इन 5 सालों तक एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब जब उन्होंने आईपीएल फ्री किया तो उसे अपनी ऐप जियो सिनेमा के अंदर चलाया ताकि अदर ऑपरेटर्स जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल फ्री ऑफलाइन के चक्कर में जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करें। और इसके अलावा इन्होंने अपने ऐप के अंदर एड्स भी चलाए ही होंगे और सबसे ज्यादा इन्होंने अपने ही ब्रांड की मार्केटिंग की है। आपने देखा ही होगा कि सभी ने अपने आगे जियो 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 ही लगा रखा है। ये अपनी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं,
साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जियो के लिए इन फ्यूचर ये एक बहुत ही बड़ी मास्टर स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। और क्या पता जब अगले साल आईपीएल होंगे तो उसको सिर्फ जियो सिम वाले ही देख पाएंगे, किसे पता, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर एंड प्रॉफिट, जब हम बात करें आईपीएल के प्रॉफिट की तो ये हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बल्कि करोड़ों, अरबों, खरबों में पहुंच जाती है। 2018 से 2022 के दौरान बीसीसीआई ने आईपीएल से करीब 18,500 करोड़ की कमाई की, यानी कि हर साल करीब 3700 करोड़ रुपए। लेकिन अगर हम बात करें इसके आने वाले फ्यूचर की तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और आने वाले प्लेयर्स का फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि क्रिकेट का क्रेज़ इंडिया से कभी कम नहीं होगा। ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जूल स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है।